एक फ्लाइट में सिर्फ कुवैत के लिए आते हैं ये सब लोग, तो कुवैत के लिए आएंगे तो फिर लंबी लाइन लगा लगा के सबका पीसीसी चेक करेगा, एक तरफ से चेक करेगा, एक तरफ से निकालता रहेगा निकालता रहेगा। फिर पीसीसी यहाँ पे चेक हो जाएगी, उसके बाद क्या करता है, सलामी दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सबका फिर स्वागत है हमारे न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में। गाइस आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि पीसीसी क्या होती है, पीसीसी कहाँ पे लगती है, कहाँ नहीं लगती। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं यार भाई पीसीसी क्यों लगती है, कुवैत आने के लिए पीसीसी कहाँ पर लगती है, क्या जरूरत उसकी पड़ती है। सो गाइस इसी टॉपिक पे आज का वीडियो, पूरा वीडियो देखें, फुल इन्फॉर्मेशन आप सबको मैं दूंगा कि पीसीसी कहाँ लगती है, पीसीसी की क्या जरूरत है, पीसीसी कहाँ से बनवाते हैं, पीसीसी कैसे बनती है। सो गाइस चलिए बात करते हैं। सबसे पहले गाइस पीसीसी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीसीसी का फुल फॉर्म है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको बता दें पीसीसी कहाँ लगती है, पीसीसी कहाँ से बनवाए। देखिए सो गाइस सबसे पहले चलिए बात करते हैं पीसीसी कहाँ से बनवाते हैं। देखिए पीसीसी आपको पासपोर्ट ऑफिस के पास से बनवाना पड़ता है, जैसे पासपोर्ट आपका बनता है सेम वैसे पीसीसी बनती है। पीसीसी के लिए जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल से 600 रुपये के आपको पर्ची कटवाना है, 600 का मतलब कि पर्ची कट जाएगा। उसके बाद आपका 500 रुपये की पर्ची कटती है, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेता है आपका, जो भी जहाँ से भी कराएंगे तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, 500-600 रुपये लगता है पीसीसी का। उसके बाद उस पर डेट रहेगा, डेट निकलेगा उस पर, उस डेट को दिन आपको जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग पासपोर्ट में दिए हैं वो सेम डॉक्यूमेंट आपको पीसीसी में देना है, जैसे कि आप लोग अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं, उसमें क्या पासबुक लेके जाते हैं, ये सब लगता है पासपोर्ट के लिए। तो वो सेम तरीके से आप लेके जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस में जमा करेंगे, फिर वहाँ पे आप लोग का सेम एकदम पासपोर्ट जैसा आपका बनेगा, वहाँ पे काम हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन पासपोर्ट ऑफिस वाला क्या करेगा, आपके पुलिस स्टेशन भेज देगा पीसीसी वेरीफाई के लिए। पुलिस वाला क्या करेगा, आपको फ़ोन कर बुलाएगा कि आप आइए, आपका ये कागज़ आया है, आप आइए यहाँ पर सिग्नेचर करिए। तो आप जाएंगे वहाँ पे तो कम से कम सिग्नेचर जो करेंगे पुलिस वाला देखेगा कि कोई केस उसमें नहीं है, आप पूरा वेरीफाई पूरा आपको करेगा। उसके बाद जब पूरा वेरीफाई हो जाएगा सब साइन और सिग्नेचर करा देगा, तो आपसे कम से कम 500 से 1000 रुपये मांगता है, 500 से 1000 मांगता है। आप लोग जैसा दें उसको वैसे 500 से 1000 आपको देना ही पड़ता है वहाँ। उसके बाद क्या है कि वो पुलिस वाला क्या करता है, पासपोर्ट ऑफिस भेज देता है। फिर पासपोर्ट ऑफिस वाला क्या करता है, आपका 1 हफ्ता के 15 दिन के अंदर आपके घर पर आ जाता है, डाक के जरिए आपके घर पर आ जाता है। सो गाइस देखिए आपके घर पे आ जाएगा, उसमें दो लेटर रहेगा, दो कागज उसमें रहेगा पीसीसी का। उसके बाद पीसीसी आपकी बनके रेडी हो गई। अब पीसीसी कहाँ लगती है अब आप सबको मैं बताता हूँ। कुवैत के लिए पीसीसी होती है, कुवैत के लिए अगर वीजा आ रहा है, वीजा आने के बाद आप लोग मेडिकल कराते हैं, मेडिकल कराने के बाद जब आप सो गाइस देखिए मेडिकल होने के बाद आपका मेडिकल जाता है स्टाम्पिंग के लिए। वहाँ स्टाम्पिंग किस चीज़ पर होता है मैं आप सबको बताता हूँ। देखिए मेडिकल पर स्टाम्पिंग होगा, वीजा पर स्टाम्पिंग होगा, पीसीसी पर स्टाम्पिंग होगा और आपका पासपोर्ट पर स्टाम्पिंग होगा, चार चीज़ पे स्टाम्पिंग होता है। उसके बाद आपका वहाँ पे स्टाम्पिंग होके आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका टिकट आ जाएगा। टिकट होने के बाद आप आ जाएंगे कुवैत एयरपोर्ट पे, तो पीसीसी यहाँ कुवैत एयरपोर्ट पे भी चेक होती है। यहाँ पे लंबी लाइन लगा देता है, जैसे एक फ्लाइट में सिर्फ कुवैत के लिए आते हैं ये सब लोग, तो कुवैत के लिए आएंगे तो फिर लंबी लाइन लगा लगा के सबका पीसीसी चेक करेगा, एक तरफ से चेक करेगा, एक तरफ से निकालता रहेगा। फिर पीसीसी यहाँ पे चेक हो जाएगी, उसके बाद क्या करता है वेटिंग रूम में बैठाता है। इस तरह से आपका कपिल आएगा या कोई ड्राइवर आएगा, आपका बताका दिखाएगा, आपकी कपिल का बताका दिखाएगा। उसके बाद आपको लेके जाएगा वो, बगैर बताका का आपका बाहर नहीं निकल देगा। बहुत बहुत अभी जल्दी है एक लोग के साथ ऐसा हो गया था, उसके बाद रूल चेंज हो गया है, अब आपका कपिल का बताका रहेगा तो वो दिखाएगा एयरपोर्ट पर। उसके बाद आपका जो लड़का है उसको लेके जाएगा, वो ड्राइवर रहेगा, जो कपिल भी रहेगा तो अपना बताका दिखाएगा, तब भी वो उसको लेके जाएगा। ये होता है पीसीसी कहाँ लगती कहाँ नहीं लगती, आप सबको पूरा डिटेल दे दिया हूँ। कुवैत एयरपोर्ट को कौन लेने आता है ये सब मैं बता दिया हूँ। सो गाइस अगर वीडियो हमारा पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।